11th का पहला चैप्टर जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। कई स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, रीज़न बिहाइंड दैट कि ये काफ़ी सिंपल होता है, बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आप में पता होने चाहिए आगे के लिए, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और समटाइम बच्चे सिली मिस्टेक्स में क्वेश्चन गलत भी करते हैं जेईई मेंस और नीट के एग्जाम्स में। सेकेंड चैप्टर इसका होगा आपका फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स, लेकिन उससे पहले चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी क्वांटिटीज, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज, ठीक है, इनके मोशन की स्टडीज, लॉ ऑफ मोशंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट जा रही है स्ट्रेट लाइन में, किसी वजह से वो टिल्ट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है अपने डायरेक्शन से, थोड़ा सा अपने लाइन ऑफ मोशन से शिफ्ट हो जाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्यों अट्रैक्शन लगा रहा है, रीज़न क्या है उसका, कितना फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशन जी की वैल्यू क्या है, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज में आप चीज़ों की स्टडीज करते हैं वो फिजिक्स में आती है। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज है, जिन क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। अब आप किसको वेट मेजर कर सकते हो, आप वेट को मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, या डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो ये सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज है। आप वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, या फिर वॉल्यूम ऑफ एनी लेक में कितना पानी है उसके वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हो, आप एयर का वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, आप मास मेजर कर सकते हो, जितनी भी क्वांटिटीज आप मेजर कर सकते हो, तो वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज है। और जो क्वांटिटीज आप मेजर नहीं कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जैसे इमोशंस को आप मेजर नहीं कर सकते, लव को आप मेजर नहीं कर सकते, एंगर को आप मेजर नहीं कर सकते, कोई आपके ऊपर कितना गुस्सा है ये आप नहीं बता सकते, बहुत गुस्सा है, कम गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा है ये बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी आप नहीं बता सकते। तो आप इसका मतलब वो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाई मीन ऑफ विच and by mean of which we can describe the law of physics are called the physical quantities. So there are three type of physical quantities: fundamental quantities, derived quantities, and supplementary quantities. Okay. So fundamental quantities क्या हुई? Fundamental quantities जो individual हैं जिनको define करने के लिए आप किसी भी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हुई। तो दे आर सेवन टाइप ऑफ क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने मोल पढ़ा होगा, मोल वन, मोल टू मोल, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो गया, वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10³। ये आगे देखेंगे हम। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट से, लाइट के चैप्टर में ये टर्म आपको मिलेगा आगे, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा इसको 11th में। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये वो क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिनके अपने इंडिविजुअल टर्म्स होते हैं, और ये किसी भी दूसरी क्वांटिटी को, इनको डिफाइन करने के लिए किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। ओके, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। ओके, ठीक है,
एब्सोल्यूट क्वांटिटीज और रेट क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज क्या है? डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको डिराइव करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फंडामेंटल यानी दूसरी पहली फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक स्पीड या वेलोसिटी। तो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। 11th 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, और टाइम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए आपको दो फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपकी डिराइव क्वांटिटीज है। और कैसे डिराइव क्वांटिटी हो सकती है? डेंसिटी रो। तो रो इक्वल टू कितना हो गया? मास बाई वॉल्यूम वी, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम वी एल एल क्यूब या फिर समथिंग, जो आपका जितना भी अमाउंट दे रखा है। मास यानी 1 kg दे रखा है, 1 kg बाई 1 liter या 1 m³ दे रखा है वहां पे। तो ये क्वांटिटीज कैसी डेंसिटी आपकी, कैसी क्वांटिटी हुई? डेंसिटी आपकी वैसी क्वांटिटी हुई जिसको डिराइव करने के लिए आपको दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल क्वांटिटीज मास एंड वॉल्यूम, ओके। तो ये आपकी एक डिराइव क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी, सेवन फंडामेंटल, जो आपकी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके सिवा ये दो क्वांटिटीज और है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की प्रॉपर्टी है कि इनको डिफाइन करने के लिए आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती भी है तो फाइनली वो उससे इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे प्लेन एंगल, आपने एंगल के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे ये लाइन है, ओ ए लाइन है, और लाइन ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चली गई यू, तो ओके इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये एंगल हो गया, तो ये इसका आर्क हुआ, ये इसका आर्क हुआ, ये लेंथ हो गई मान लो एल वन और रेडियस हो गया आर वन। तो व्हाट इज एंगल थीटा? थीटा इक्वल टू एल वन बाई आर वन, ठीक है। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल किस तरह से डिफाइन किया इसका, सॉरी प्लेनर एंगल खत्म नहीं हुआ, प्लेनर एंगल इसका जो यूनिट होगा वो होता है आपका रेडियन, ठीक है। ठीक है, स्टेरेडियन किसका? स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल को किस तरह से डिफाइन करते हैं? सॉलिड एंगल एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसमें अभी हम नहीं जा रहे। आपको जितना मैं बता रहा हूँ उसको अभी बस याद रखिएगा, आगे हम चैप्टर से पढ़ेंगे। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है, और ये इस पॉइंट से सारू चार इस पॉइंट ओ से उसके कॉर्नर पे जो डिस्टेंस मिला रहे हो आप, जो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो किस तरह से बनेगा? ये कोन की तरह बनेगा क्या, बर्थडे कैप की तरह? तो ये बर्थडे कैप की तरह जो बन रहा है, तो ये इसको इस तरह से करते हैं, ये बर्थडे कैप की तरह बन रहा है। तो ये जो एंगल 1400 मिला रहा है, तो उसके सॉलिड एंगल उसके अंदर का एंगल होता है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? इसको भी हम थीटा के टर्म में लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए डिवाइडेड बाई ये रेडियस आर का स्क्वायर, इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। प्लेनर एंगल का यूनिट हुआ आपका रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट हुआ हुआ स्टेरेडियन, ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है जैसे आपने को मैंने कह दिया कि जैसे 5 kg, तो 5 उसका मैग्नीट्यूड हुआ, केजी उसका यूनिट हुआ, ठीक है, ओके। तो जैसे बोल दिया कि 20 meter हो गया, 20 उसका मैग्नीट्यूड हुआ और मीटर उसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें होंगी, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक होगा उसका यूनिट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जैसे यूनिट अब डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल मैंने हमने यहाँ पे लिया रखा है कि 2 meter की एक रॉड हो गई, 2 meter की एक रॉड हो गई, एक रॉड ली गई है जिसकी लेंथ मैंने मान लिया कि ये 2 meter है, 2 meter है,
तो इसको हम 200 सेंटीमीटर भी तो बोल सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जैसे अब इसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स हो सकता है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए आप ऐसे मिलीमीटर में लिख सकते हो, एमएम में लिख सकते हो, सेंटीमीटर में लिख सकते हो, ठीक है, डेसीमीटर में लिख सकते हो, मीटर में लिख सकते हो, इसको किलोमीटर में लिख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस लेवल की उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। जैसे दो प्लेनेट के डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में नहीं बता सकते, ठीक है, दो प्लेनेट के डिस्टेंस को क्या आप सेंटीमीटर बता सकते हैं? नहीं, वहां पे हम किलोमीटर से बताते हैं या लाइट ईयर में उस डिस्टेंस को बताते हैं। सिमिलरली यानी मान लीजिए कि आपका फ्रेंड क्लासरूम में एक बगल बगल बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम आपके आपके फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस को लाइट ईयर में नहीं बता सकते, ठीक है, बट ये दोनों ही आपका डिस्टेंस की क्वांटिटीज है, इसको डिस्टेंस की फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन आप इसको दो स्टूडेंट के बीच की डिस्टेंस को आप लाइट ईयर में नहीं बताओगे, आप उसे बताओगे कि हाँ मेरा आपका स्टूडेंट, आप और आपका फ्रेंड स्टूडेंट जो है वो 20-30 सेंटीमीटर आपसे दूर बैठा हुआ है, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्योरली कि आप किस तरह की क्वांटिटीज को आपको उसको डिफाइंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका यूनिट सेलेक्ट करोगे। ओके, तो दे आर द टाइप ऑफ यूनिट्स, हर कंट्री है अपना अलग अलग स्टैंडर्ड बना रखे। तो दे आर मेनली थ्री टाइप ऑफ सिस्टम सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एक है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। एमकेएस, हमारे इंडिया में एमकेएस यूज किया जाता है, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। थर्ड जो आपका ब्रिटेन में यूज होता है जर्नी, ब्रिटिश आजादी से पहले हम भी यही सिस्टम यूज करते थे, हमारे यहाँ भी चलता था, एफ पी एस, फुट पॉन सेकेंड। तो अभी जर्मनी, रशिया और इंडिया में हम एम के एस सिस्टम यूज करते हैं। तो ये हमने आजादी के बाद इसको अपना लिया था, एम के एस सिस्टम को। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे आपको एम के एस सिस्टम में ही आएंगे, यानी आपको वहां पे डिस्टेंस मीटर या किलोमीटर में मिलेगी, ठीक है, वेट आप ग्राम या किलोग्राम में मिलेगा और टाइम आपको सेकंड में मिलेगा, ठीक है। हर सिस्टम में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा एंड सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होगा। देयर आर सम अदर क्वांटिटीज जहां पे ऊपर वाले चार्ट पे देखिए, डिराइव क्वांटिटीज वहां पे आपको फोर्स मिलेगी, सॉरी फोर्स मिल रहा है एम के एस में, वर्क एनर्जी और पावर, तो वहां पे फोर्स आपको सी जी एस में मिलेगा, डाइन में, ठीक है। एम के एस सिस्टम हम न्यूटन से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एन को देखिएगा, ये एन स्मॉल है, ओके, ये यूनिट है एक्चुअली। जब यूनिट आप लिखते हो तो उसका पहला लेटर कैप्टन नहीं लिखा जाता, इवन वो साइंटिस्ट के नाम से भी चालू हुआ तब भी, ठीक है। पाउंड, ठीक है, पाउंडेरा आपका ये हो जाएगा, आपका एफपीएस सिस्टम है, पाउंड हो जाएगा उसका वेट होता है, वेट सॉरी मास के लिए हम पाउंड के लिए यूज करते हैं, पाउंड वर्ड यूज करते हैं। एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी आग, एमके सिस्टम में एनर्जी हो जाएगी जूल में, फुट पाउंडेला आपका हो जाएगा एफपीएस सिस्टम में, पावर हो जाएगा आग पर सेकेंड में, और इसमें आपको पावर होगा वॉट से डिफाइन करते हैं, फुट पाउंडेला पर सेकेंड एफपीएस सिस्टम में डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये पार्ट जो है आप इसको इसे आपके स्कूल में वायवा वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द 1 मीटर, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट यूज किए जा रहे हैं, जैसे ऑर्गन लाइट,
तो ऑर्गन गैस जो होती है उससे बना हुआ जो बल्ब होगा, एक ऑर्गन गैस होगी उसको एक बल्ब में आपका एक बल्ब होगा, ऑर्गन बल्ब हम उसे कहते हैं, उसमें वो गैस भरी होती है, तो उससे जो लाइट निकल रही है वो रेड लाइट होती है, ठीक है। तो उसमें निकलने वाली जो मैक्सिमम लाइट होती है तो रेड लाइट ही होगी, उसमें से जो लाइट एक्चुअली हर वेव लेंथ की लाइट निकलती है, लेकिन जो मैक्सिमम लाइट निकलेंगी उसमें से वो लाइट वेव निकलेंगी वो रेड लाइट वेव होंगी। तो अगर अब वेव क्या है, लाइट वेव, तो वेव आपने देखा होगा टेंथ में पढ़ा होगा, उसको आप इस तरह से डिफाइन करते हो, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेव कब हुई, जब वो ओ से लेके ए तक गई, ठीक है। इसके बाद वेव आपकी रिपीट करने लगेगी, ठीक है। तो इस पार्ट को कवर करने में जो टाइम लगता है वो वन टाइम पीरियड होता है, और वन टाइम पीरियड में वो वेव जितना डिस्टेंस चलती है वो होती है वन वेव लेंथ लैम्डा, यानी ओ ए लेंथ, यानी दिस लेंथ ओ ए लेंथ, ओ ए लेंथ इज वन वेवलेंथ, ओके। तो 1650763.73, कुछ बच्चों को ये नंबर याद होता है, आप भी चाहे तो याद कर, अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, जैसे इसकी ऐसी कोई खास नीड नहीं होती, ये बस डिफाइन करने के लिए, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आपको याद कर लीजिए 1650763.73 नंबर ऑफ वेव्स की जो लेंथ होगी, किसकी लेंथ, जो ऑर्गन पाइप की ऑर्गन लाइट के रेड रेड वेव निकल रही होगी, लाइट वेव निकल रही होगी, उसकी जो वेव लेंथ होगी वो आपकी होगी 1 मीटर, ठीक है। अब इसमें ऑर्गन रेड लैम्प जो है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसको आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, ओके। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स वो होते हैं जिनमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो होती है वो डोमिनेटिंग होती है। फिर उसमें और कुछ पॉइंट होते हैं कि कोई भी एक लाइट सोर्स परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, जो भी लाइट सोर्स होते हैं उससे हर फ्रीक्वेंसी की या हर वेवलेंथ की लाइट निकल रही होती है, ठीक है। तो ऑर्गन रेड लैम्प भी क्यों यूज किया गया है, ऑर्गन रेड लैम्प इसलिए यूज किया गया है कि वो बहुत ही क्लोज होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के, यानी उसमें से अदर लाइट्स भी निकल रही होती है बट रेड लाइट एक्सेस में निकल रही होती है, ठीक है। वन सेकेंड किस तरह से डिफाइन किया गया, 1 सेकेंड 9192631717070 टाइम पीरियड ऑफ पर्टिकुलर फ्रॉम द सीजियम 133 एटम, सीजियम 133 एटम के पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होगा उसका 9192631770 टाइम्स उस टाइम पीरियड कर देंगे तो वो आपका 1 सेकेंड होगा, ओके। किलोग्राम मास ऑफ द 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो 1 लीटर वाटर का जो मास होगा वो 1 किलोग्राम होगा। शायद आप जैसे कुछ बच्चों को पता होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे हाई होती है, कहने का मतलब ये कि अगर 1 लीटर पानी अभी आप रूम टेम्परेचर पर ले लो और पानी को ठंडा करते रहिए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब आएगा तो उसका वॉल्यूम, उसका जो वाटर लेवल है नीचे चला जाएगा। वाटर लेवल नीचे जाने से क्या हुआ, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप उसके मास को उस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो जो डेंसिटी आएगी वो मैक्सिमम आ जाएगी, क्यों, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कम होगी तो वो आपकी जो डेंसिटी होगी मैक्सिमम आ जाएगी। जैसे ही आप टेम्परेचर को और ठंडा करेंगे, मान लिया आपने उसको कर दिया 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा तो डेंसिटी फिर से डिक्रीज होने लगेगी। तो कुछ बच्चों ने चार्ट भी पढ़ रखा होगा डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर पे, तो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर पे 1/ρ के फॉर्म में पढ़ते होंगे कुछ बच्चे, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है वाटर की, याद रखिएगा ये बहुत काम आता है, बहुत ही अच्छे पेपर में, बहुत ही यानी ओलंपियाड या इस तरह के हाई लेवल के पेपर में इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा डाल के क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
यानी अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने बर्फ को डाल दिया तो ऑफकोर्स आइस की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से कम होगी, इसलिए आइस उस वाटर पे तैरेगा। जो लोअर डेंसिटी के दो लिक्विड है अगर आप उसको मिक्स करते हैं तो हाई डेंसिटी वाला नीचे चला जाएगा और लोअर डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर आ जाएगा। ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा। एम्पियर क्या हुआ? एम्पियर हुआ, देखिए बेटा इन सब चीजों को डिफाइन किया गया है, आगे चल के आप धीरे धीरे जब चैप्टर बाय चैप्टर देखे जाएंगे तो ये चीजों को क्लियर करते क्लियर होती जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, इसको अभी डिफाइन नहीं किया सकता क्योंकि ये काफी आगे का चैप्टर है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर का चैप्टर, वहां से इसकी थ्योरी का पार्ट मिलता है। तो वॉट एवर, इसमें यहाँ अगर दो इंफाइनाइट वायर ले लीजिए आप, इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसकी जो थ्योरी है वर्ड बाई वर्ड आपको एग्जाम में लिखनी होती है, स्पेशली स्कूल लेवल की एग्जाम है। इन्फाइनाइट दो इन्फाइनाइट वायर ले लिया और उनमें एक करंट फ्लो कर रही है आई आई, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है। और जब इस तरह से सेम साइड में दो करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रही होती है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लगता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। अगर वो फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के बराबर, पर मीटर मतलब तो इसकी जो ये वायर लिया ना गया, ये वायर इन्फानेट नहीं लिया गया, उसका भी 1 मीटर वायर लिया गया, यानी वो करंट जब उन दोनों वायर में फ्लो कर रही है तो 1 मीटर के बीच में लगने वाला अगर अट्रैक्शन फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर हो तो वो करंट जो वायर में फ्लो कर रही है वो 1 एम्प करंट होगी। ओके ओके थोड़ा सा मैं अभी स्पेस की जरूरत है। कैंडेला नेक्स्ट यूनिट है आपकी कैंडेला। ओके इस कैंडेला को अभी आप इस तरह से ही याद कर लें, इसको हम लाइट में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी राइट नाउ के लिए आप कैंडेला की यही थ्योरी याद करें, इन्हें ल्यूमिनस इट इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस 1/6 lakh square of a black body at the temperature of freezing point under the pressure of 1.013 × 10⁵ m². ठीक है, ये आप इसको याद कर लीजिए। कैंडला को हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है इसलिए इसको स्किप करते हैं। रेडियन रेडियन भाई, 1 रेडियन इज व्हाट, कि अगर आपने एक आर्क ले लिया, अगर वो आर्क आपका इस तरह से दो लाइन है, ये ओ ए बी और ये हुआ, ठीक है। अगर ये आर्क आपका 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी आपकी 1 मीटर है तो 1/1 is 1 रेडियन, ठीक है। वन स्ट्रेट रेडियन क्या हुआ, अगर ये यूनिट एरिया आपका आपका 1 मीटर स्क्वायर का है और ये रेडियस भी आपका 1 मीटर स्क्वायर का है, 1 मीटर है तो इसका जो सॉलिड एंगल होगा थीटा इक्वल टू एरिया बाई आर स्क्वायर, तो 1/1 तो वो क्वांटिटी आपकी 1 स्ट्रेट रेडियन होगी। ओके यूनिट को इस तरह से लिखा जाता है, सुनिए यूनिट को कभी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, यानी समथिंग यानी केजी बाय लेंथ बाय टाइम, ये बाय जिसका साइन किसी भी यूनिट पे एक ही होता है, ठीक है। तो स्पीड इज द डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड एल बाय टाइम टी, ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी,
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दोनों सेम नहीं है, चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनके यूनिट्स सेम आएंगे। v final minus v initial, तो velocity में velocity को subtract करोगे तो क्या आएगा, velocity तो आएगा, यानी 5 meter per second में 2 meter per second subtract कर दिया तो velocity कितना आएगा, 3 meter per second बचा, by time t, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा acceleration a, ठीक है, तो velocity का acceleration, अब यहाँ पे acceleration का जो unit इसलिए नहीं लिखेंगे आप, meter per second by per second ऐसा नहीं लिखेंगे, तो देखिए कैसे आएगा, एल बाई टाइम टी बाई टाइम टी, यानी वी एम बाई टाइम टी बाई फाइव टाइम टी, तो एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, अब इसमें कुछ भी हो सकता है सर, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स पूछ सकता है, तो फोर्स का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, एम इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो कितना आ जाएगा एम इंटू एल बाई टी स्क्वायर, ये सोई तो आप न्यूटन कहते हो, वन न्यूटन, इसी को आप वन न्यूटन कहते हो, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कितना हो गया, वन न्यूटन, सॉरी न्यूटन, यूनिट वन न्यूटन इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी, तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। सफिक्स यहाँ पे कुछ डाटा है, ये आपको अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स तो आपको याद ही रखना होगा, एक्सा ये 10^18 ऑर्डर का क्वांटिटी होती है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पेटा 10^15, टेरा 10^12, गीगा 10^9, मेगा 10^6, किलो 10^3, यानी 1 किलोग्राम में 10^3 ग्राम होता है, या फिर 1 किलोमीटर में 10^3 मीटर होता है, ठीक है, हेक्टो 10^2, डेका 10^1, ठीक है, क्लियर, यानी 1 डेका में 10 मीटर होता है, डेसी 10^-1, सेंटी 10^-2, मिली 10^-3, माइक्रो 10^-6, नैनो 10^-9, पीको 10^-12, फेमटो 10^-15, आटो 10^-18, ओके, ये इसके सिंबल्स है, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, डीसी का सिंबल स्मॉल डी होगा, सेंटी का स्मॉल सेंटी का स्मॉल सी होगा, मिली का स्मॉल एम होगा, माइक्रो का म्यू होता है, नैनो का एन होगा, पीको का पी, हेक्टो का एफ, हेक्टो का ए, डेका का डी ए होता है, हेक्टो का एच होगा, किलो का स्मॉल के है, ये स्मॉल के, किलो का मेगा का एम, अब ये क्वांटिटी जो है किलो के ऊपर वाली, ये सारे कैपिटल लेटर गौर करिएगा, ठीक है, एक्सो का ई, पेटा का पी, टेरा का टी, गीगा का जी और मेगा का एम, ठीक है, यहाँ सिंबल्स को लिखने के कुछ तरीके दिए गए, मैंने आपको बताया था कि ये न्यूटन, वन न्यूटन में वन एम कैपिटल होगा, उसको टिल्डे नहीं लिखते हैं ना, तो यहाँ पे गैप देते हैं, यूनिट नेवर बी स्टार्टेड फ्रॉम द, या यूनिट इज नेवर रिटन विद कैपिटल लेटर, मैंने आपको बताया था शायद शुरू में लेक्चर में, इवन इट इज द इट इज ऑन द नेम ऑफ आफ्टर साइंटिस्ट, ठीक है, तो न्यूटन ऐसे लिखा जाता है, अब ये बहुत बारीक और छोटी चीजें हैं, लेकिन आप फिजिक्स से पढ़ रहे तो ठीक है, पता होना चाहिए, यू नहीं लिखा जाता, स्मॉल न्यूटन, स्मॉल एन से चालू होगा, ठीक है, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन, एनर्जी का यूनिट होगा आपका जूल, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा आपका एम्पियर, फ्रीक्वेंसी का टेम्परेचर का होगा केल्विन, के टी नहीं होता, के होगा, ठीक है, टी किसका होता है, टी टाइम का होता है, ठीक है,
फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा आपका हर्ट्स। लेंथ एम मास को हम केजी से डिफाइन करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा ठीक है, और टाइम को सेकंड से डिफाइन करते हैं। तो सिंपल से हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया कि बाई का साइन एक ही होता है किसी भी यूनिट पे, एम बाई एन, इस तरह से नहीं, ये किसका, ये एक्सीलरेशन का, साफ साफ दिख रहा है ये एक्सीलरेशन का यूनिट है, तो एम बाई एस बाई एस नहीं लिखोगे, तो ये उसके कुछ सही तरीके हैं और कुछ गलत तरीके हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे किलो जूल पर केल्विन, यानी जूल बाई टेम्परेचर, इसको इस तरह से लिखेंगे आप, जूल बाई टेम्परेचर मोल इस तरह से लिखेंगे आप, ऐसा नहीं लिखेंगे जूल बाई टेम्परेचर मोल इस तरह से लिखेंगे, केजी बाई मीटर सेकंड इस तरह से होगा, ठीक है। ओके ये कुछ बड़ी यूनिट्स है, मेगावाट को 10 की पावर 6 वाट से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसमें से मैक्सिमम आपने हाई स्कूल में 10th क्लास में पढ़ी भी होगी, किलोमीटर को 10 की पावर 1 किलोमीटर या 10 की पावर 3 मीटर से रिप्रेजेंट करोगे। देखिए यहां पे भी मीटर यूनिट डिस्टेंस का, यहां पे भी केजी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर इस 10 की पावर 3 मीटर, तो 1 किलोमीटर भी यूनिट है डिस्टेंस का, मीटर भी यूनिट है डिस्टेंस का, मिलीवोल्ट 1 मिलीवोल्ट इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट, किलोवाट पर आवर 1 किलोवाट पर आवर इक्वल टू 10 पावर 3 वोल्ट इक्वल टू 356 मिलियन जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है, माइक्रो माइक्रो एम्पियर यहाँ पे करंट कर दे रखा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर गुण 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, तो माइक्रो को अपने 10 की पावर 6 एम्पियर से चेंज कर दिया, ठीक है, यानी 2 माइक्रो एम्पियर इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है, नैनो सेकेंड यानी 10 की पावर यानी 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, पीको फैरेड ये कैपेसिटर का यूनिट है, आप आगे चल के बढ़ोगे इलेक्ट्रिक स्टडीज में, ठीक है, तो पीको फैरेड 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, ठीक है, माइक्रो सेकेंड 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड्स, ठीक है, गीगा हर्ट्स 10 की पावर 9 हर्ट्स, माइक्रोन 10 की पावर माइनस 6 मीटर, यानी 1 मीटर हो गए तो माइक्रोन हो गए 10 की पावर 6 माइक्रोन हो गए, ओके, ये कुछ तरीके हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास बताने का है नहीं, आपने हाई स्कूल में ऑलमोस्ट ये पढ़ा होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होगी, एक यूनिट की प्रॉपर्टीज होती है वो कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसकी असेंबली सही होनी चाहिए, इनवायरेबिलिटी सही होनी चाहिए और कन्वीनियंट टू यूज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिर से कुछ चीजें रिपीट हो गई, वेल माइक्रोन इक्वल टू क्या हो गया, वन
एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या हो गया, ये लेंथ हो गया साफ साफ एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे मीटर के बारे में बात कर रहे हैं, मीटर के टर्म में दे रहे थे, तो ये उसका आपका लेंथ होगी 1 फर्मी, बी लेंथ की होगी 10^-15 मीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में 1 मीटर में 10^15 फर्मी होगी, ठीक है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर हो गया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स बाई मीटर स्क्वायर आएगा, तो 76 mm ऑफ एच जी प्रेशर हुआ। इसको हम आगे देखेंगे। 1 पाउंड इक्वल टू हो गया 0.4536 kg। डायमेंशन देखिए, यूनिट अलग चीज है, डायमेंशन अलग चीज है। डायमेंशन आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बताई थी, आपको मास को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। ये डायमेंशन है फंडामेंटल क्वांटिटीज के। और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 होती है ना, एम्पियर को ए से एंड टेम्परेचर को के से, 5 हो गए। और कैंडला सी डी, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं मोल, ठीक है ठीक है। तो जैसे डेंसिटी हो गया, ये डिराइव क्वांटिटी है किस फॉर्म में, मास मास और वॉल्यूम को लेकर आपको डिराइव किया गया है, तो इसको फंडामेंटल टर्म क्वांटिटी के टर्म में लिखना है, तो किस तरह लिखोगे, मास लिख दिया आपने एम से बाई एल क्यूब, तो ये जाएगा एम एल की पावर -3, तो ये इसका डायमेंशन हो गया डेंसिटी का, ठीक है ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ, ठीक है, अब डेंसिटी का डेंसिटी निकाल है, जैसे टैंक रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, एक वॉल्यूम बी नॉट में, और यहाँ पे एक बड़ा टैंक रखा हुआ है जिसके अंदर कोई और लिक्विड भरा हुआ है, या फिर मैं मान लेता हूँ ये आयरन का है, और इसकी डेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो उसका भी तो एम बाई वॉल्यूम बी से डिवाइड करेंगे, तो हो सकता है इसकी डेंसिटी है 1.02, और इसकी डेंसिटी आ जाती है 1.4, नहीं नहीं वो हमने कोई और आयरन लिया ना, तो मैं मान लेता हूँ कि 100 समथिंग आ जाता है, आयरन की मुझे डेंसिटी नहीं आ रही, तो 100 समथिंग आ जाता है, तो 100, लेकिन इनका जो डायमेंशन आएगा वो भी आएगा एम, वाटर का एम एल की पावर -3 आएगा, और इसका भी जो डायमेंशन आएगा वही आएगा एम एल की पावर -3, ठीक है। तो अगर आप डेंसिटी निकाल लो, तो किसी भी डेंसिटी निकालेंगे, लिक्विड की, गैस की, या फिर किसी सॉलिड की, तो एम एल की पावर -3 ही आएगी, तो इसका मतलब दो सब्सटेंस है ऐसे, वो अगर दोनों की डेंसिटी की बात कर रहा है, तो वो इक्वल होंगी या नहीं होंगी ये एक डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन उनके डायमेंशन इक्वल जरूर होंगे, समझे क्या? अगर ऐसी दो क्वांटिटीज है जिनकी डेंसिटी, ऐसी दो सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी आप निकाल लो, ठीक है, तो हो सकता है उनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उनकी डेंसिटी के डायमेंशंस हमेशा एम एल की पावर -3 आएगा, ठीक है, बिकॉज वो एक डिराइव क्वांटिटी है, और डिराइव क्वांटिटी को आपने मास से एल से डिवाइड किया, इसमें भी इसको भी मास से इसको वॉल्यूम वी से डिवाइड किया, उसमें भी आपने मास को वॉल्यूम वी से डिवाइड किया, तो उनके डायमेंशन है ये सेम, ओके, तो इसका मतलब दो क्वांटिटीज इक्वल तभी होंगी जब उनके डायमेंशन सेम हो, यानी एक क्वांटिटी का डेंसिटी दूसरी क्वांटिटी की डेंसिटी बराबर, इसका मतलब उनके डायमेंशन तो सेम होंगे ही होंगे, लेकिन दो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम हो, डायमेंशन सेम हो, तो क्या वो फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होगी, नहीं, वाटर की डेंसिटी कुछ और है, एयर की डेंसिटी कुछ और है, तो यहाँ से हमें एक बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम,
तो उनके डायमेंशन जरूर से जरूर इक्वल होंगे, बट अगर दो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है तो जरूरी नहीं कि वो उनकी क्वांटिटी भी सेम हो, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ओके। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ थीटा यानी प्लेनर एंगल? तो ये एल वाई एल आर वाई रेडियस आता है ना, तो ये डायमेंशन फ्री क्वांटिटी है, बट इसका यूनिट है रेडियन। सिमिलरली स्टे रेडियन का भी वो क्या आएगा, ए बाई आर स्क्वायर आता है, तो वो भी डायमेंशन फ्री क्वांटिटी होगी, बट उसका यूनिट है स्टे रेडियन। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या जिसका कोई डायमेंशन भी ना हो, यूनिट भी ना हो? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू या एन के फॉर्म में लिखा जाता है बुक में। ओ वहां देता है 1.01, 1.2, 1.5, ठीक है, सीधे एक नंबर होता है ना, तो इसका कोई यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। ठीक है चलिए ओके। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर कवर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, एल के फॉर्म में लिखा जाता है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है कि एम की पावर 0 लिखते हैं, एम टी की पावर 0 एल। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एरिया कितना हो गया, एल स्क्वायर होता है, यानी 3 मीटर इंटू 2 मीटर हो गया मान लो यूनिट एंगल, तो उसका कितना आएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो आप इसको इसकी इसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना नहीं है, मैं यहाँ पे इसका यूनिट दे रहा हूँ मीटर स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा एस बाई टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल बाई टी, तो टी ऊपर चला गया, तो एल टी की पावर -1। ठीक है ठीक है, मोमेंटम होता है एम इंटू वी, तो एम एल टी की पावर -1 वेलोसिटी हो गया। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन आपका होगा चेंज इन वेलोसिटी, तो एम एल टी की पावर -1 बाई टी पावर टी हो गया, तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। ठीक है, फोर्थ होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एम ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मोमेंटम होता है एक्सीलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो एल बाई टी की पावर एल टी की पावर -1 बाई टी होगा। ठीक है, फोर्स एम इनटू ए हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा एम इनटू ए, व्हाट इज द ए, एम एल टी की पावर -2, ये होगा फोर्स का ऊपर वाला पार्ट, ये नहीं होगा, ये एल टी की पावर -2 एक्सीलरेशन है, तो डायमेंशन है। ठीक है, इम्पल्स होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा वी स्क्वायर्ड इम्पल्स, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका डायमेंशन, अगर मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा वी के डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो कितना जाएगा एल टी की पावर -1। ठीक है सॉरी माफ कीजिएगा, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, तो डेल्टा पी हो गया, तो हो जाएगा एम एल टी की पावर -1। ठीक है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन कितना आता है एम एल टी की पावर -2 इंटू टी की पावर इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल, तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 -2। ओके एनर्जी हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होगा, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखिए एनर्जी कोई भी टर्म ले रहा हूँ, अगर वो बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, एनर्जी टर्म आ गया, तो सबके डायमेंशन सेम ही होंगे। क्या डायमेंशन आता है उसका, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, पावर आता है आपका एम
एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री, डेंसिटी आएगा एल की पावर माइनस थ्री, एम एल की पावर माइनस थ्री, ठीक है। प्रेशर आता है फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन लिखिए यहाँ पे और एल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एम एल टी की पावर माइनस टू बाई एरिया एल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका फोर्स का डायमेंशन, सॉरी प्रेशर का डायमेंशन, तो कितना हो जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ठीक है। टॉर्क एफ इंटू आर होता है, रोटेशनल मैकेनिक्स में ये आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पार्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी थीटा बाई टाइम टी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट इसका क्या हुआ, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, लेकिन इसका डायमेंशन क्या हुआ, रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं, इसका डायमेंशन हुआ टी की पावर माइनस वन, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी होता है वन बाई टी, तो उसका डायमेंशन भी टी की पावर माइनस वन हुआ, ठीक है। अच्छा तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के डायमेंशन सेम है बट वो क्वांटिटीज डिफरेंट है, गौर कर रहे हैं क्या, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। एंगुलर एक्सीलरेशन टी की पावर माइनस टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ये रोटेशन में पड़ेगा, एम आर रोटेशन, रोटेशनल मास भी कहते हैं इसको, तो इसका इसका यूनिट कितना हो गया केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन कितना हो गया एम एल स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी वन बाई एफ वन बाई टी, तो वन बाई टी सेम ओमेगा की, ओमेगा के डायमेंशन के इक्वल ही है ना, ठीक है। ये क्वांटिटीज है, इन सबको आप देख डालेंगे, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और जिनको ना है वो हमें व्हाट्सएप कर दे या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे बता दे या फिर मेल कर दे, तो हम उनको ये इसमें से बता देंगे। आप इसमें बेसिकली ये सारे फॉर्मुलेस हैं, आप फिजिक्स में आगे चल के पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, तो कहाँ पे क्या है ये चीजें देख लीजिए। ओके नीचे भी फॉर्मुलेस हैं सारे, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, आपके ये यूजफुल होंगे, आप इसे एज ए नोट्स भी यूज कर सकते हैं, ये नोट्स भी हम पीडीएफ डाल देंगे और उस पर डाउन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डायमेंशन का यूज होता है एक एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाने के लिए, एसआई से आपको, अगर आपको सीजीएस में जाना है तो वहां पर डायमेंशन का यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन जी कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशन ये फॉर्मूला होता है दो पार्ट के, दो बॉडीज के लगने वाले बीच में लगने वाले वैल्यू जो होगी वो होगी जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो उसने पूछा है कि आपसे जी, ये जी की जो वैल्यू है वो ये है, इसको आपको सीजीआई यूनिट बताना है। सीजीआई यूनिट कौन सा हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जी की वैल्यू गौर से देखो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर रखा गया। तो इसको एक काम कीजिए, न्यूटन क्या हो गया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 को हम बाद में लिखेंगे, न्यूटन क्या हो गया, न्यूटन हो गया एम एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है, ठीक है। मीटर स्क्वायर कितना हो गया एल स्क्वायर, केजी हो गया तो आपका एम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी की पावर माइनस टू इंटू एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से देखिए एम की पावर, एम की पावर माइनस वन बचेगा, एल बचेगा थ्री, टी बचेगा माइनस टू, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एल क्यूब टी की पावर माइनस टू एंड एम।
अब एल क्यूब यानी 1 मीटर है, 1 मीटर कंसीडर कर लेते हैं, 1 मीटर है तो 1 मीटर को सेंटीमीटर करो ना करो कितना हो जाएगा, 100 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। एल क्यूब अब सीजीएस में भी 10 की पावर -2 ही रहेगा, सीजीएस में टाइम भी तो 10 की पावर -2 में 1 सेकंड में तो वही रहेगा, बाई मास से डिवाइड कर देंगे, मास ग्राम हो गया तो कितना हो गया 1000, तो ये कितना हो जाएगा बाई 1000, ठीक है। तो अगर आप इस क्वांटिटी को 6.67 × 10⁻¹⁻ में 10³ आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना रहता है 6.67 × 10⁻¹⁸, ठीक है, ये हो गया आपका। The value of CGI is 6.67 × 10⁻¹⁸ dyne centimeter square by gram square, ठीक है। डाइन क्या हुआ, फोर्स हो गया, क्या फोर्स हो गया, फोर्स हो गया यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर बाई ग्राम स्क्वायर, इसी डायमेंशन को तो हमने हर यूनिट को उसके सीजीएस क्वांटिटी में हम ले गए थे, तो जिस टाइम से वो इंक्रीज हुआ तो मैंने वही रख दिया वहां पे और फाइनली ऑर्डर्स में चेंज हो गया। ओके, इसका दूसरा यूज क्या है, इसका दूसरा यूज है कि फॉर्मूला आपका करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, जो आपने टाइम पीरियड निकाला है या सॉरी टाइम पीरियड तो ये अगला क्वेश्चन है, जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है या कोई डेरिवेशन किया है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ये देखे थे यानी 5 देखिए एग्जांपल नंबर, सो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय टी इक्वल टू 2π√ एल वाई जी, क्या ये फॉर्मूला सही है? तो अगर ये फॉर्मूला सही होगा तो ये डायमेंशनली जरूर करेक्ट होगा। तो टी का क्या हो गया, टी का डायमेंशन आया टाइम पीरियड टी 2π√ एल वाई जी, तो व्हाट इज द एल, लेंथ एल बाई जी, जी कितना हो गया एल इंटू t⁻¹⁰ सॉरी t⁻², ये ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, डिपेंड होता है लोकेशन और आप कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, पोल पे ज्यादा होती है इक्वेटर पे कम होती है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, एल सेल कट जाएगा, टी की पावर प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर लुक देखेगा तो ये हो जाएगा टी, तो राइट हैंड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड के डायमेंशन के बराबर है, तो ऑफकोर्स ये सही है। बोर्ड लेवल में पूछे जाएंगे इतने सिंपल क्वेश्चन, आपका उसमें नहीं पूछा जाएगा जे मेन जेड वन, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन कहीं कहीं आपके 8.3 की तरह आ सकते हैं। होमोजेनिसिटी, होमोजेनिसिटी का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इधर v इक्वल टू ए प्लस बी बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी है, इसकी होमोजेनिसिटी क्या है कि इधर का जो डायमेंशन होगा, इधर का डायमेंशन कितना हो गया एल टी की पावर माइनस वन, वो उधर के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। दो क्वांटिटी इक्वल कब होंगे, जब उनके डायमेंशन सेम होंगे, और दो क्वांटिटी ऐड कब होती है, जैसे ए में ये ऐड कब हो, ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो इसका मतलब इनके यूनिट भी सेम होंगे, ठीक है। दो क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, अगर फिजिक्स में दो क्वांटिटीज ए और बी तभी ऐड होंगी या तभी सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनके डायमेंशन सेम होंगे, क्लियर। यानी अगर आपसे कहा कि भाई 10 किलोमीटर में मैंने 3 kg ऐड कर दिया कितना हो गया, तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, क्योंकि आप डिस्टेंस में वेट को ऐड कर रहे हो या मास को ऐड कर रहे हो तो वो कोई क्वांटिटी नहीं निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल तरीके से क्या समझ सकते हैं कि 5 मीटर में आपने 2 मीटर ऐड कर दिया या 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डिस्टेंस में डिस्टेंस को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास में मास को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, केजी और आपका करंट में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, करंट कम ज्यादा हो रही है किसी जगह किसी
बैटरी की प्रेजेंस में या वॉट एवर, तो आप सेम यूनिट की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर वो, अगर उनकी उनके डायमेंशन, सॉरी यूनिट नहीं, डायमेंशन सेम नहीं है तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. और मैंने आपको पहले बताया कि दो क्वांटिटीज अगर इक्वल है तो उनके डायमेंशन तो इक्वल होने चाहिए. तो इधर वी की जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, वी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू ए, ठीक है, प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी, ठीक है. तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा एल टी के पावर माइनस वन, तो बी टी का डायमेंशन भी कितना हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन, तो बी का डायमेंशन कितना हो जाएगा एल टी की पावर माइनस टू. ये वाला टी इधर आया, नीचे आया इसके डिनोमिनेटर में, और ऊपर गया तो टी की पावर माइनस टू हो गया, ये माइनस वन है. सी बाई डी प्लस टी का डायमेंशन भी एल टी की पावर माइनस वन ही होगा. अब यहां पे टी का डायमेंशन आया टाइम टी और डी का डायमेंशन एड हो रहा है, तो डी का डायमेंशन भी टाइम टी ही होगा. तो नीचे वाली क्वांटिटी का फुल डायमेंशन कितना हो गया, टी आ गया. तो सी बाई टी का डायमेंशन इक्वल टू एल बाई टी के पावर माइनस वन है, ठीक है. तो सी का डायमेंशन कितना हो गया एल बाई टी के, एल इंटू टी के पावर माइनस टू, क्लियर, ठीक है. सी बाई सी डी प्लस, ये डी प्लस टी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये वाला, ये क्या हो गया डी प्लस टी में t का डायमेंशन तो टाइम t है ना, तो इसमें d ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब d का डायमेंशन भी टाइम t ही होगा, ठीक है, क्लियर, ओके. ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन द टेंशन लेंथ एंड द of the string and the mass per unit length, ठीक है, mu, derive the formula for the frequency, तो कितना हो जाएगा, तो frequency f, तो ये 1 by frequency होता आपका 1 by t होता, तो frequency का dimension सबसे पहले देख लीजिए कितना आएगा, t की power minus 1 आएगा, ठीक है, तो कह रहा है कि ये force length और mass per unit length टर्म में डिफाइंड है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी, ठीक है, एबीसी क्या होगी, यानी इसमें बताना है आपको फोर्स लेंथ उस पे म्यू पे किस तरह से वो डिपेंड करेंगे. तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू वन बाई टी, तो इधर का जो डायमेंशन होगा और इस साइड का डायमेंशन दोनों सेम होना चाहिए. तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एफ इन द फंडामेंटल फॉर्म, फंडामेंटल क्वांटिटीज एफ एम एल टी की पावर माइनस टू, ये ए हो गया, एल बी हो गया और म्यू क्या हो गया मास पर यूनिट लेंथ, तो एम एल की पावर माइनस वन सी हो गया. यहाँ पे पावर से अलग अलग कर दीजिए, एम की पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एम की पावर आएगा ए प्लस सी, एल की पावर कितनी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और टी की पावर कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए, बस माइनस ट्वाइस ए, और तो बाकी में टी है नहीं, ठीक है. ये कितने किसके बराबर हो रही, टी की पावर माइनस वन के बराबर हो रहा है, यानी एम की पावर क्या हो गया जीरो हो गया और एल की पावर भी हो गया जीरो. ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, एंड माइनस ट्वाइस ए इक्वल टू टी की पावर माइनस वन है, तो माइनस वन हो गया, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है, ए इक्वल टू वन बाई टू हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म में रखा तो सी की वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस वन बाई टू, ठीक है. तो बी कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू वन बाई टू प्लस बी सी इक्वल टू माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो, ओके.
चलिए आपका डायमेंशन तक थ्योरी पार्ट खत्म हुआ है, इसकी एक्सरसाइज आपको लिंक में मिल जाएगी। अगर लिंक पे ना मिले तो वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा और उसे डाउनलोड करके घर पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। लगभग 200 क्वेश्चन है, जो नहीं आएंगे उसे आप टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसको हम लोग ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे। चलिए, गुड डे एंड बी सेफ।